मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम थोड़े से आज लेट है। आज हमारे साथ है जो काफ़ी नामांकित पर्सन है और वो है देवेंद्र चौकसी, जो मुंबई से आए हुए हैं और वो है प्रमोटर एंड MD KR चौकसी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और वेल्थ मैनेजमेंट इनका काम है। तो देवेंद्र जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और अभी अभी सबको ही पता है कि बजट गया है, बजट 2021, और सभी लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार का जो बजट है काफ़ी अच्छा बजट है। तो देवेंद्र जी के पास हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट की जो हम बात करते हैं, तो उसी में ऐसा है कि बजट के दिन में जो बात जिस तरह से सेंसेक्स बढ़ा, तो सर सबसे पहले तो यही बात आएगी कि ये जो सेंसेक्स बढ़ा तो उसका रीज़न क्या था। थैंक यू यामिनी जी, मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। मैं KR चौकसी ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रमोटर हूँ। हम वेल्थ मैनेजमेंट के व्यवसाय में कार्यरत हैं और इंडिया के कैपिटल मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। इतने सालों से नई रेलवे लाइंस बनाने का कार्यक्रम रखा है जी, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का कार्यक्रम बनाया है, बिजनेस कॉरिडोर्स के नए कार्यक्रम बनाए हैं। तो आई थिंक अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्यक्रम गवर्नमेंट ने रखे हैं उसके अंदर करीबन 5.5-6 लाख करोड़ का जो एक प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव ये है कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे नए नए फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है देश को कि 2022-23 तक सबको पक्के घर मिल जाएंगे जी। तो उसके हिसाब से लो कॉस्ट हाउसिंग का जो एक बिज़नेस है वो बिज़नेस भी आगे बढ़ रहा है। ये सबका अर्थ ये होता है कि देश के अंदर एक कार्यक्रम बनाया गया है कि आगे देश को कैसे लेके जा सकते हैं, और वो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जी। जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो भी हम कैपिटल मार्केट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास आई थिंक ये कार्यक्रम बनता है कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें जी। ये बजट जो आया जिसमें आपने एक सवाल पूछा जी, कि ये बजट के अंदर ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है कि जिसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से बड़ा है जी। तो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात ये है बजट के अंदर कि बजट के अंदर कोई नए टैक्सेस नहीं डाले गए। गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम सेट किया था इन्वेस्टमेंट करने का, वो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम आगे जोर शोर से चल रहा है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्रस्ताव रखा था जिसके अंदर करीबन 9 या 10 इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज़ करने का प्लानिंग किया था, जो सितंबर महीने के अंदर उन्होंने मई और सितंबर महीने में उन्होंने जो प्रोग्राम रखा था। तो ये प्रोग्राम के साथ में आई थिंक इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी एक चालू हो चुका है, और ये समय के अंदर गवर्नमेंट ने करीबन जो बजट के अंदर नई प्रपोजल रखी है वो एक बहुत बोल्ड प्रपोजल रखी है जिसकी मैं विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ आपके साथ में। जी, ये प्रस्तावना जो रखी है उसके अंदर करीबन 10 लाख करोड़ के नए फंड्स हिंदुस्तान में आ सकते हैं, इंडिया के अंदर आ सकते हैं, ऐसी प्रस्तावना रखी गई है जी। नया टैक्स नहीं बढ़ाना और फिर भी ग्रोथ को कंटिन्यू करना, करीबन 14-15% का ग्रोथ को कंटिन्यू करना, और उसके लिए जो फंड्स चाहिए वो फंड्स बारगांव से मंगवाना और देश के अंदर जो कंपनीज हैं उसके साथ में भी मिलजुल के काम करके ये फंड्स को लाना जी। तो ये एक अच्छा प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है और ये बजट के अंदर उसको एक डायरेक्शन दिया गया है जी। तो बजट के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, हम लोग डेफिनेटली बात कर सकते हैं। बट एक संक्षिप्त में बात करें तो मार्केट को ये प्रपोजल बहुत अच्छी लगी कि नई टैक्स नहीं डाले और उसके सामने करीबन 10 लाख करोड़ आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसके लिए एक अच्छी सी प्रपोजल रखी गई। तो ये दोनों का मिलन मेरे ख्याल से मार्केट को अच्छा लगा। जनरली ऐसा बताते हैं कि जब भी आपकी इकोनॉमी के अंदर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते हो और डेफिसिट बढ़ जाती है तो उसकी एक विपरीत असर होती है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक संयम दिखाया है, एक एग्रेशन भी दिखाया है कि इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट है तो है, बट डेफिसिट होने के साथ में ग्रोथ नहीं आवे वो गवर्नमेंट ने बताया कि वो नहीं चल सकता है, ये देश को ग्रोथ लाना बहुत ज़रूरी बनता है जी। तो 9.8% की जो डेफिसिट ये साल में है उसके सामने अगले साल में 6.8% की डेफिसिट भी है,
जी फिर भी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, ये एक आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशन मिला है। जी तो उसके हिसाब से मार्केट को ये प्रस्तावना अच्छी लगी है, और मेरे ख्याल से ये तेज़ी वो उसको भी एक ध्यान में देते रखनी चाहिए। जी जी दूसरा भी तेज़ी का कारण ये है कि इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक नए फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। एज ए जी जी कंट्री वी आर ओपनिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर करीबन 0% रेट के आसपास आपको फंड्स मिलते हैं, जी उसके सामने इंडिया के अंदर आपको 14-15% का रिटर्न छूटता है। हम्म, तो वो भी एक महत्व का कारण है कि जी जिसके हिसाब से नए फंड्स इकोनॉमी में आते हैं तो मार्केट के अंदर उसकी एक तेज़ी की असर बनती है। तो ये जी सब कारण हम पकड़ के चलते हैं तेज़ी के लिए, जिसकी हम आगे जाके भी चर्चा कर सकते जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि अगर हम चर्चा करने जाए तो पूरे दिन पूरे रात भी निकल सकते हैं, ऐसा होता है। बट अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है कि मार्केट लगातार मतलब तेज़ी से ऊपर ही आता जा रहा है, लास्ट 3 दिनों से बजट के बाद भी डाउन नहीं हुआ है, तो ये क्या कहना चाहता है कि मार्केट अच्छा रहेगा पूरे साल तक या कैसा रहेगा फिर? सो आई थिंक मार्केट के अंदर वधघट आ सकती है, ऐसा जी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलता रहे। जी परंतु ये लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो मार्केट में बढ़ोतरी आई है, उसके अंदर दूसरा भी एक कारण ऐसा है कि जो लोग मार्केट के अंदर इधर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, अदरवाइज जो लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट थे उनका शॉर्ट कवर भी हुआ है। जी तो नए फंड्स आना, शॉर्ट कवरिंग होना, इन दोनों का समन्वय मार्केट को एक वेग देता है। और जी जैसे मैंने बताया, सेंटीमेंट बहुत मजबूत है, जी नए फंड्स इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं, और पॉजिटिव सेंटीमेंट होने के साथ में ये फंड्स को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक अनुभव भी हो रहा है, मौका भी मिल रहा है। जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल दोनों चीज़ के साथ में आई थिंक मार्केट का एक मूड बना है, तो तेज़ी चालू है। जी ऐसा नहीं बता सकते कितना दिन तक चलेगी, कितने महीने वही तक चलेगी, जी जी बट बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जी ओवरऑल इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी ये पहले हमने इसलिए चर्चा कर ली क्योंकि सबको ऐसा है कि बजट में अचानक से इतनी तेज़ी आ जाना शेयर मार्केट में, तो क्या रीज़न है? तो सबसे पहले हमने यही सबको बताया, क्योंकि जिस तरह से हमने जब अनाउंसमेंट की कि आपके साथ ये लाइव हमारा हो रहा है कार्यक्रम, तो काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस भी थे, तो हमने आज पहले यही पूछा। पर देवेंद्र जी के बारे में थोड़ा और कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे सब जानते हैं, अगर शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो तो बिल्कुल इनको जानते ही है, लेकिन जो नए लोग शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि देवेंद्र जी क्या है। एक्चुअली वो है सीएनबीसी पे भी आते हैं, आप उनको हर रोज़ देख भी सकते हैं। लेकिन देवेंद्र जी, आप कितने सालों से ये शेयर मार्केट में काम करते हैं, मतलब आपकी खुद की AKR चौकसी करके आपकी जो कंपनी है वो क्या कार्य करती है वो भी हम बता देते हैं। KR चौकसी करीबन 41 साल से इंडिया के कैपिटल मार्केट के अंदर कार्यरत है। उसके पहले चौकसी फैमिली करीबन 118 साल से इंडिया के कैपिटल मार्केट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे देखा जाएगा तो थर्ड जनरेशन में मैं हूँ जी जो ये समय देख रहा हूँ। मैं आई थिंक हम लोग का ज़्यादातर कामकाज वेल्थ मैनेजमेंट का है, ब्रोकरेज बिजनेस साथ में करते हैं, बट इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटी। सम फंड्स मैनेज करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और हमारा एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच रहता है इन्वेस्टमेंट का अंदर, कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम लोग कंपनीज को समझते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं, और बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ओवरऑल हम लोग का अप्रोच एक स्टेबल फंड मैनेजमेंट करके रिटर्न जनरेट करने का रहता है। और ये प्रक्रिया हम कितने सालों से कर रहे हैं, तो जी काफ़ी हद तक वी आर हैविंग आवर प्रेजेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वी आर हैविंग आवर जी प्रेजेंस थ्रू आउट 250 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। वी मैनेज फंड्स ऑफ अबाउट 4,000 करोड़स जी जी फॉर बहुत पीपल। बहुत तो अच्छी बात है सर। आई जी थिंक काफ़ी हद तक हम लोग एक, और हमारे इन्वेस्टर वर्क के अंदर इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल फैमिली के ये एक इन्वेस्टर रहता है, दूसरी तरफ NRIs रहते हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी तो काफ़ी हद तक कंपनी का कारोबार है वो
अच्छे इन्वेस्टरों के साथ में जुड़ा हुआ है और हम हमारा खुद का भी फंड्स मैनेज करते हैं। सो ये जी मेरा संक्षिप्त परिचय जी आपके लिए। आपने जी जैसे बताया कि आपकी 15 कंट्रीज में काम चल रहे हैं, तो हमारे गुजरात में कहाँ पे है आपका ऑफिस? कुछ है, अगर किसी को आपके साथ जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकता है? सो गुजरात के अंदर सूरत में है, अहमदाबाद में है, मेहसाणा में है। जी जी सो नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, जी सौराष्ट्र सब जगह पे ऑफिसेज है। जी सूरत में इनफैक्ट काफ़ी अच्छा प्रेजेंस भी है। सो डेफिनेटली आई थिंक, एंड अब हम लोग ऑनलाइन हैं तो इट हाँ, इज़ अभी तो नॉट, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। जी सो जी कोई सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिस से ही जुड़ा रहना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं जी और ऑनलाइन भी आपका कारोबार हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जी सर, बट अभी ऑनलाइन का जो चल रहा है, मैं उसमें एक थोड़ा सा अलग से क्वेश्चंस मेरा रहेगा कि जब पहले लोग आके ऑफिस में आके बोर्ड पे काम करते थे और वहाँ पे फ़ोन से सब काम हो रहा था, और उसमें और अभी की जो ऑनलाइन जो हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो उसमें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? उसमें काम ज़्यादा हो रहा था कि इसी ऑनलाइन से ज़्यादा काम हो रहा है? सो ऑनलाइन का कारोबार अभी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी जी तरह से बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये लॉकडाउन के समय के अंदर जब ये सब ऑफिसेज बंद रही तभी जी ज़्यादातर कारोबार ऑनलाइन में बढ़ा हुआ है। जी और ज़्यादातर शेयर बाजार में लोगों ने काम किया है, ऐसा मुझे लगता ज़्यादातर शेयर है। बाज़ार में लोगों ने जी काम किया है, क्योंकि जी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में काम करने का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। यहाँ पे आप शेयर बेचते हो तो पैसे 2 दिन में आपको मिल जाते हैं, जी दूसरे कोई मार्केट के अंदर ये सुविधा नहीं है। तो जी डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ मार्केट टू ट्रेड विथ। एट द जी सेम टाइम ये मार्केट के अंदर काफ़ी लोग सट्टा करते हैं और जी स्पेकुलेशन जिसको हम बोलते हैं जी उसमें काफ़ी लोग के पैसे जाते भी हैं। हाँ, वही मैं अभी वही पूछने वाली थी कि सट्टा ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लोगों मेरा ऐसा मानना है कि लंबे अरसे से इन्वेस्ट करने से आपकी कैपिटल अच्छी तरह से बढ़ती है। सट्टा करने से आपकी कैपिटल डेफिनेटली बढ़ती है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, परंतु उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। और जैसे मार्च 2020 का जो मार्केट में फॉल आया था उसके अंदर काफ़ी ट्रेडर्स ने काफ़ी हद तक पैसे को नुकसान किया है। तो जी 1 साल में मार्केट में इतनी तेज़ी आई फिर भी वो लोग वो पैसा नहीं कमा पाए हैं। जी जैसे जो लोग इन्वेस्टेड थे उन लोग को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उसके अंदर फॉल होने के बाद राइज आया तो ये मार्केट 50,000 का इंडेक्स भी क्रॉस कर चुका है। तो जी मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हो मार्केट के अंदर, ऐसा समझता हूँ कि 1 रुपये में से 10-20 रुपया ट्रेडिंग के लिए रखते हैं और 80-90 रुपया आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा। जी बहुत ही बढ़िया। हम बात कर रहे हैं श्री देवेंद्र चौकसी जी से, वो मुंबई से आए हैं और के आर चौकसी के वो प्रमोटर है, एमडी है, और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, और आज हम बजट एनालिसिस में उनको आज स्टॉक मार्केट के लिए हमने इनवाइट किया है कि आज हमारे जो दर्शक है स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको किस तरह से काम भी करना चाहिए, और इस जो 2021 का जो बजट आया है वो कैसा है, किस तरह का है, उसकी थोड़ी एनालिसिस भी हम थोड़ी सी और करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करूंगी सर कि अभी जो तेज़ी आई है मार्केट में, लोगों को ऐसा लग रहा है, नए लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम शेयर बाजार में काम करें, तो क्या इस माहौल में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, शेयर बाजार में काम करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इनफेक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है कि ये समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे हर कारोबार के अंदर कभी कारोबार पुराना नहीं होता, कभी कारोबार बंद नहीं होता, ऐसे इन्वेस्टमेंट का भी कारोबार है वो कायम चालू रहता है, वो बंद नहीं होता है। और हर समय के अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, ऐसा मेरा विश्वास के साथ मानना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्वेस्टरों लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जी उनके लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना ही मुनासिब है। आप पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो आज इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे वो गलत बात है। जी आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न आज आपको मिल रहा है, आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो परसों आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इन्वेस्टमेंट शुड बी अ रेगुलर प्रोसेस, सबसे पहली बात। जी दूसरी बात, ये मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो ये मार्केट नहीं बढ़ता। हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो दैट मीन्स के मोर नंबर ऑफ पीपल आर बिलीविंग के फ्यूचर अच्छा है इसलिए मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा सोच के चलो कि नहीं मार्केट में फ्यूचर अच्छा नहीं है इकोनॉमी का, तो आपकी ये सोच गलत हो जाएगी। जी जी तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे।
कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, डेफिनेटली आई थिंक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम एनी वेयर, वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन के अंदर लोग घर पे बैठ के काम करते हैं, तो आपका इंटरनेट के साथ में कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। इंटरनेट के साथ आपका कनेक्टिविटी होता है तो जो आईटी कंपनीज है जो इंटरनेट जी बेस्ड प्रोग्राम बनाती है जी उनके यहाँ कारोबार बढ़ना संभावित है, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो जी उसके अंदर इंफोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों को आगे जाके कामकाज बढ़ना ही है, उसके उसके अंदर कोई दूसरी ज़्यादा सोच लगाने की ज़रूरत नहीं जरूर है। जी, दूसरी बिल्कुल तरफ देखो तो बैंक के अंदर कारोबार बढ़ना है, क्योंकि जो हिसाब से कंज्यूमर का परचेसिंग बढ़ रहा है, जो हिसाब से इकोनॉमी के अंदर हर चीज़ के अंदर ग्रोथ आ रहा है, तो ये पैसा कौन मैनेज करेगा, तो बैंक ही मैनेज करेगा। तो ऑब्वियस है कि बैंक का कारोबार बढ़ेगा, तो आपको सुरक्षित हिसाब से बैंक को अच्छी तरह से जानबूझ कर इन्वेस्टिगेट करके या एनालाइज करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरी तरफ देखो तो ये बीमारी के साथ में सब लोग के मन में डर भी है, जी तो उसके साथ में सब इंश्योरेंस लेने जाते हैं। तो एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस का कारोबार भी बढ़ता है। जी तो बैंक का कारोबार देखिए, इंश्योरेंस का कारोबार देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार देखिए। देश के अंदर पूरी जगह पे जैसे मैंने शुरुआत में बताया, सब जगह पे जी एक्सपांशन चल रहा है, जी जी पूरी कंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर मोड में है। तो आप सीमेंट के शेयर ले या एल्यूमिनियम हिस्से स्टील के शेयर लेते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज के शेयर लेते हैं, तो ये सब जगह पे तो बिजनेस का कारोबार अच्छा चल ही रहा है। तो जी ऑब्वियस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है उसको एक अच्छा वेग मिल रहा है, अच्छा काम उसका चल रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ जो कंपनियां जुड़ी है वो कंपनियों के लिए कारोबार अच्छा चलता है। जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है जिन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जियो के साथ में रखा है, तो वो एक तरफ एग्रीकल्चर सेगमेंट को सर्विस देते हैं, दूसरी तरफ जी एजुकेशन सेगमेंट को सर्विस देते रहे, मीडिया इंटरटेनमेंट को सर्विस देते जी हैं, जी रिटेल को सर्विस देते हैं, गेमिंग को सर्विस देते हैं। तो अलग अलग यूज़ जो है वो सब जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है। जी मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में जो कंपनी जुड़ी है उनके लिए भी एक अच्छा समय है। तो जी आई थिंक आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट में काफ़ी मिल रही है। जी शायद मार्केट कोई कोई जगह पे थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बट जी दैट इज़ वेयर आई थिंक यू रिक्वायर द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल एडवाइजर्स, कि जो जी आपको एडवाइस देने के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट कर सके। तो जी उनके साथ आप जुड़े हैं तो आई थिंक आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। जैसे मैंने बताया हम लोग वेल्थ मैनेज करते हैं, जी तो जी हम लोग लोगों को सलाह दे के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो जी ये प्रक्रिया हम लोग चालू रखते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर को ऐसी सोच नहीं करनी पड़ती है कि मैं ये भी इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, वो जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारी हो जाती है फिर वो जी समय। जी 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 बहुत ही अच्छी तरह से आपने जिस तरह से मार्केट में अगर आप नए हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से देवेन जी ने समझाया है। उसी तरह से अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या तो जुड़ना चाहते हैं शेयर मार्केट के साथ तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो लास्ट में ओवरऑल बात करते हैं तो हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, बजट जो रखा है उसमें काफ़ी मतलब शेयर मार्केट को फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा हो भी रहा है और वो भी देवेन जी ने समझाया। तो देवेन जी ओवरऑल हम एनालिसिस करके हमारे दर्शकों को ये बता देते हैं कि किस तरह का ये बजट में शेयर मार्केट का सिचुएशन रहेगा। सो बजट के अंदर जो क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है उसके अंदर बैंकिंग क्षेत्र की बात करते हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर निर्मला जी ने एक प्रपोजल रखी है कि जो बैंक के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जिसको हम बैड लोन्स बोलते हैं, वो बैड लोन्स एक जगह पे से निकल के दूसरी एक कंपनी के अंदर वो बैड लोन्स उनको सेल कर देंगे। तो समझ के चलिए कि एक बैंक के पास 100 करोड़ की नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन्स है, वो 100 करोड़ की नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय बैड लोन्स उसके कोलेटरल के साथ में एक स्पेशल कंपनी के अंदर पार्क किया जाता है जिसको हम बैड लोन कंपनी बोलते हैं, बैड बैंक जी बोलते हैं। जी तो उसके अंदर वो फंड्स पार्क होते हैं, तो ये एसेट को बेचना, ये एसेट को ऑपरेशनलाइज करना उनका काम बन जाता है ये कंपनी का। सो ऑब्वियसली इसके लिए आप नए इन्वेस्टर को बुलाएं, वो फंड्स लेके आते हैं, बैंक को फंड्स देते हैं, तो बैंक का एक बार अपना लोन पोर्टफोलियो खाली हो जाता है। दूसरी तरफ ये कंपनी रिस्क लेके उनके एसेट ले रही है, तो बना के उसको बेचेगी वो एसेट को,
उनका भी कारोबार बढ़ेगा। सपोज ये सेटल समझ के चलिए कि 100 करोड़ की लोन का पोर्टफोलियो मैं बेच रहा हूँ, और जो नई बैड बैंक है वो 100 करोड़ की लोन का पोर्टफोलियो मेरे पास 80 करोड़ में बाई कर रही है, जी तो 80 करोड़ में वो मेरे को 80 करोड़ मेरे को बैंक में दे देते हैं, तो मेरा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आगे मेरा कारोबार बढ़ता है। और वो जो 20 करोड़ का उनको डिस्काउंट मिला, वो आगे जाके अपने एसेट को तैयार करेंगे, बेचेंगे, तो शायद उनको 120 करोड़ मिल जाएगा, मिल तो जाएगा उनका भी रिटर्न छूट जाएगा। तो ये एक अच्छी जी। प्रक्रिया है, तो बैंक के लिए बहुत अच्छा बजट में प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव बैंक के लिए वो है कि बैंक को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेट्स है उनको लिए उन्होंने एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक प्रस्ताव रखा है, तो DFI जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी नए इन्वेस्टर आएंगे, उनका 3 साल में 5 लाख करोड़ का कारोबार बनेगा, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव व्यू दिखा जाता है। जी सो ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये भी कारण अच्छा है कि इकोनॉमी के अंदर नए फंड्स आ रहे हैं, नए फंड्स आते हैं तो बैंक तक ही उसका इन्वेस्टमेंट होना संभावित है, बैंक तक ही उसका लोन निकलना संभावित है, जी बैंक तक ही उसको क्रेडिट लेंडिंग करना संभावित है, तो ये सब चीज़ से आई थिंक आगे का मार्ग खुल जाता है। तो बैंक के लिए मेरे ख्याल से बजट काफ़ी अच्छा है। जी दूसरी जगह पे बजट के अंदर जो अच्छी प्रस्तावना दी गई उसके अंदर ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर दी गई, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर जो 15 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल और 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप करने का गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा है, तो हमारे देश के अंदर अभी तक स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं थी, अभी ये स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो करीबन ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए 30-40% का कारोबार बढ़ने की संभावना है। ऑटोमोबाइल कंपनी करीबन 4.5 लाख करोड़ की बिजनेस है हमारे देश के अंदर, इफ़ इट इज़ ग्रोइंग बाई 30%, 1,20,000 1,40,000 करोड़ के बीच में उनका भी ग्रोथ आ सकता है, तो ये एडिशनल फंड भी आएंगे और ये कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आएगा। जी और तीसरा जो कारोबार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि नए रोड बन रहे हैं, रेलवेज़ को फंडिंग बन रहा है, जी एयरपोर्ट को फंडिंग जा रहा है, गांव में पानी देने के लिए फंडिंग जा रहा है, हाउसिंग बनाने के लिए फंडिंग जा रहा है, शहरों के अंदर मेट्रो लाइन चालू करने के लिए फंडिंग जा रहा है, तो सब जगह पे जो नया फंड जा रहा है वो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टरों के लिए मार्केट के अंदर, तो समय मेरे ख्याल से वो हिसाब से हम देखते हैं कि अच्छा जा रहा है। जी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बजट रखा है 10 लाख करोड़ रुपया लाने के लिए, ये बजट मेरे ख्याल से एक कैटालिस्ट का रोल प्ले करेगा, बिल्कुल और सर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 5 साल में होती है, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग योर वेल्थ बाई 70%। तो एक सिंपल व्यू ऐसा बनता है कि जो इन्वेस्टर अभी तक मार्केट में नहीं आया है वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो 5 साल के अंदर वो पैसा डबल तो होना ज़रूरी है। तो आई थिंक जी विच एवर वे इनसे यू लुक एट इट, आई थिंक इनसे आपके लिए बढ़िया बात विन कार विन हो सकती है। विन विन बिल्कुल बिल्कुल सिचुएशन है। सर सो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक पेशेंस के साथ में, अच्छे मार्गदर्शन के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आई थिंक समय अच्छा रहेगा ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जी समय सर सबके लिए अच्छा रहे। जी। सर एक और भी क्वेश्चन था मेरा कि कुछ LIC का IPO आ रहा है तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए जी। सो लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द कंट्री, इट इज़ देयर बिफोर माई बर्थ। मैं जी जानता हूँ कि काफ़ी हम लोग के काफ़ी जन्म के पहले की कंपनी है, अभी तक जी गवर्नमेंट के फोल्ड में ही है। जी करीबन 65-66% ऑफ मार्केट शेयर उनके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि LIC जैसी दिग्गज कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड होने को आती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर करीबन 5 से 7.5 लाख करोड़ के बीच में बढ़ोतरी हो सकती है एक ही कंपनी में से, और इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ने जो हिसाब से प्रस्तावना रखी है ये समय के अंदर कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट अप टू 74% इन इंश्योरेंस बिजनेसेस, तो आगे के समय के अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यू LIC में से निकलने की संभावना बनती है। जी तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो इन्वेस्टर अगले 10 साल का व्यू देखते हैं, जिन्होंने 2000 के साल के अंदर TCS और मारुति जैसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ली और उसके बाद में उन्होंने उसके अंदर एक सस्टेन रिटर्न आते हुए देखा, मेरा ऐसा मानना है कि LIC जैसी कंपनी शायद अगले 10-15-20 साल के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको देगी। इसमें आप जी TCS और मारुति सपोज जिन्होंने 2000-2004 के बीच में लिया था तो उनके लिए आज की तारीख में कंपाउंडेड रिटर्न करीबन 30% ऊपर आया है,
तो मेरा ख्याल ऐसा है कि आई थिंक LIC के अंदर भी एक सिमिलर परिस्थिति एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं. सो इट्स अ लवली कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जी, बहुत ही अच्छी बात है देविन जी, बहुत ही अच्छा आपने मार्गदर्शन भी दिया. और आज हमारा जो सब्जेक्ट था कि बजट 2021 का एनालिसिस हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर जो करना था वो आज हमने किया है, और काफ़ी हद तक हमारे जो शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए दर्शक हैं उनको काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिली होंगी. देविन जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, आपने थैंक यू सो हमारे मच. इस चैनल पे आके इस शो की मतलब शान बढ़ाई है और लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही हम फिर से ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.